हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बन्ना एजुकेशन सेंटर पर। दोस्तों, आज हम लोग हाई स्कूल का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके रियल नंबर से संबंधित है। तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन। हाँ तो दोस्तों, हमारा क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दो संख्याएं दी गई हैं, 135 और 225। इनका हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो आइए देख लेते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से दो संख्याओं का मासा ज्ञात करना। तो इसके लिए दोस्तों, सबसे पहले हमारी दी गई संख्याएं लिख लेते हैं। दी गई संख्याएं 135 और 225 हैं। अब इसमें देखते हैं छोटी संख्या कौन सी और बड़ी संख्या कौन सी है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों दिया गया है हमारा 225 बड़ा है 135 से। इसलिए संख्याओं 225 व 135 के लिए अब दोस्तों छोटी संख्या का भाग हम सदैव बड़ी संख्या में देते हैं। तो यहाँ पर भाग देंगे, 135 का भाग देंगे 225 में। तो 135 का भाग 225 में एक बार जाएगा, दो बार में अधिक हो जाएगा। तो 135 एकम 135। अब यहाँ पर घटाएंगे, 5 में 5 गया 0, यहाँ पर आपका 12 हुआ, 12 में 3 गया 9, यहाँ पर 1, 1 में 1 गया 0। अब आगे देख रहे थे दोस्तों, ये 90 हमारा शेष आया। अब 90 का भाग ये जो भाजक है इसमें देंगे, 90 का भाग अब हम लोग 135 में देंगे। इस प्रक्रिया को दोस्तों हम लोग दोहराते रहेंगे जब तक कि हमें शेषफल 0 ना प्राप्त हो जाए। 90 का भाग देंगे 135 में तो हमारा आएगा 90 एकम 90, क्योंकि दो बार में अधिक हो जाएगा। तो यहाँ पर आएगा 5, यहाँ पर आ जाएगा 4। अब दोस्तों शेषफल हमारा 45 आया। अब 45 का भाग इस भाजक अर्थात 90 में देंगे। तो 45 एकम 45, 45 दूनी 90। इस प्रकार से दोस्तों हमने देखा यहाँ पर हमारा शेषफल 0 आया। अब दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 225 इक्वल टू 135 गुणे 1 प्लस 90। इसका सीधा सा तात्पर्य यहाँ पर आपका दिया है
भाजक बराबर भाज्य गुणे भागफल, और यहाँ पर ये जो 90 है ये हमारा शेषफल था। तो अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये जो 90 है हमारा, ये हमारा शेषफल है और जो कि 0 नहीं है, इसलिए ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट नहीं कर रहा है। तो इसके लिए लिखेंगे क्योंकि शेषफल बराबर 90 इज नॉट इक्वल टू 0। शेषफल हमारा 90 है जो कि 0 के बराबर नहीं है। अब आइए आते हैं अगली संख्याओं पर। अब संख्याओं 135 व 90 के लिए, तो दोस्तों हमारी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एक सौ पैंतीस व 90 के लिए तो इसको दोस्तों अभी हम लोगों ने हल किया था, तो हमारा आया था 135 बराबर 90 गुणे 1। तो ये दोस्तों हमारा आया था 135 बराबर 90 गुणे 1, साथ में 45 एडिशन में है। यहाँ पर भी ये जो हमारा शेषफल है ये 0 नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों क्योंकि शेषफल इक्वल टू 45 इज नॉट इक्वल टू 0। इसको भी यहीं तक हल करेंगे। अब इसके आगे लिखेंगे अगली संख्याओं के लिए। संख्याओं 90 व 45 के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हाँ, तो दोस्तों हमने हल करके अभी ऊपर हल किया था 90 बराबर, उसी को इस रूप में लिखेंगे 90 बराबर 45 गुणे 2, साथ में 0 का एडिशन। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा जो शेषफल है वो हम लोगों को 0 मिल रहा है। इसका मतलब यहाँ पर हमारी यूक्लिड एल्गोरिथम फिर में से दो रही है। तो यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों चूंकि शेषफल 0 अर्थात 0 और भाजक 45 है, अतः हम लोग का मातम समापवर्तक 45 होगा। अतः मातम समापवर्तक बराबर 45।
जो कि हम लोगों का आंसर है। दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने देखा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से मासा ज्ञात करना।